नमस्कार, हूँ डॉक्टर हरप्रीत कौर, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। मेनोपॉज होउछि जेतेबेले गोटे स्त्री लोकर हार्मोन्स पूरा बंद हो जाए, ओवरी रू सिक्रीट हवा तारो पीरियड्स बंद हो जाए, सेटा कुआ होउछि मेनोपॉज। एंड यूजुअली एज ऑफ मेनोपॉज थाए 45 रू 50 इयर्स पर। एंड जदि गोटे स्त्री लोकर मेन्स गोटे वर्ष हेलाणी हेइ नाही ताकू मेनोपॉज कुआ हबो। जदि 6 मास कि 5 मास रे आउ थरे हे जाउची सेटा मेनोपॉज नो। मेनोपॉज होची गोटे टाइम जतले पीरियड्स बंद हुए, सो तारो गोटे रेंज माने एग्जैक्ट एज समथिंग ना थाए, बट 45 रु 50 इयर्स उजे देखा जाए कि मेनोपॉज हुए। 50 इयर्स पर भी जण जणकर पीरियड्स 52-53 जाए हुए, बट जदि तापर भी बंद हो नाही देन ताकु चेकअप दरकार कि बेदर किसी आउ प्रॉब्लम अच्छे कि नाही। जो हार्मोन्स गोटे लेडी रो सबू मासको मेन्स कराए एंड गोटे साइक्लिकली आसे, जेतेबले से ओवरी रे हार्मोन्स बंद हो जाए जोटा एज सांगरे हुए सेतेबले सेटा मेनोपॉज कुआ हुए। मेनोपॉज होउछि जेतेबले बर्षे हेलाणी पीरियड्स बंद हो जाए ताकु मेनोपॉज। लोकों को धारणा कि धीरे धीरे हेकि पीरियड्स बंद हुए एंड सेटा मेनोपॉज, नॉले इरेगुलर पीरियड हेले बंद हम कि हेवी ब्लीडिंग। बट जमती ड्यूरेशन टा बढ़ी बढ़ी चले कि पीरियड थोड़े 2-3 मास आसुची 4 मास को आसुची एंड कम होउची, सेटा भी गोटे साइन ऑफ मेनोपॉज। इरेगुलर हबा भी साइन ऑफ पेरीमेनोपॉज। आम कह एक्जाक्टली मेनोपॉज नुह, मेनोपॉज तो पीरियड बंद हबा, जो मेनोपॉज पूर्वर टाइम पेरीमेनोपॉज ताकू ए टाइप सब इरेगुलरिटी हुए। किंतु हेवी ब्लीडिंग सबू मासकू हबा कि जल्दी जल्दी हबा गोटे पेरीमेनोपॉज रो सिम्टम्स नुह। से जदि ए सिम्टम्स हो जल्दी हो बेसी हो पेनफुल होने डॉक्टर को कनसल्ट कराया कथा, सेटा नॉर्मल पेरीमेनोपॉजल चेंजेस न थाई पारे। मेनोपॉज होउची जेतेले पीरियड्स पूरा बंद हो जाए एंड ए टाइम टा किंतु जन जनकर हार्मोनल चेंजेस जो स्टार्ट हुए सेटा मेनोपॉज पूरा पीरियड्स बंद हबा पूर्वरु मे बी 2-3 वर्ष 4 वर्ष पूर्वरु भी आरंभ हो जाय पारे। सिम्टम्स जेमती कि तंकर पीरियड्स इरेगुलरिटी डिले हे पीरियड्स हबा कम पीरियड्स हबा, केबे केबे वीकनेस को भी गोटे साइन जोटा मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज रे एज ग्रुप रे हुए, चिड़चिड़ा लागिबा वीकनेस लागिबा एंड राग लागिबा, एटा सबू जेतु हार्मोन्स टा कमी जाउची। बॉडी रे सबले पेन आंठू घंटी सबू दर्ज हबा, लोकल तळ जागा माने वेजाइना एरिया टा ड्राइनेस, बारंबार यूरिन इन्फेक्शन हबा, बोन पेन, ए सबू सिम्टम्स होउची जोटा पेरीमेनोपॉज रे हुए एंड मेनोपॉजल सिम्टम्स रे इंक्लूड हुए। लेडीज़ रे जो हार्मोन्स आसे ओवरी रू सेटा हार्ट डिजीज पाए प्रोटेक्टिव थाए प्रोटेक्शन करे, सो सेति पाए मेडिकली भी कुआ हुए कि जत्ते बले गोटे लेडी मेनोपॉज को आसी जाइछि तापर तार रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ी जाए, ता माने नुओ कि से बहुत हाई रिस्क फैक्टर। बट लेडीजटा मैंने जेन्ट्स कंपेरिजन रे लेडीज को सेति पाए हार्ट प्रॉब्लम कम देखा जाए जेतु तांकर से हार्मोन्स टा मेंटेन हुए। एज रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम लेडीज आउ जेंट्स दि जनकर सम्मान, कहीं लेडीज को हार्मोन बंद हेला परे सेम रिस्क को सेमाने पड़े आसंती, तो से एज परे कहियोबो कि तांकर नॉर्मल पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप कंपैरिजन रे तांकर रिस्क टा बढ़ी जाए, बट अदरवाइज एमती किसी सिग्निफिकेंट इनक्रीज ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम हुए नाही। मेनोपॉज हेला परे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जोटा लेडीज फेस करती होची बोन पेन जॉइंट पेन, सो सेतिपाई एडवाइस थाए कि आफ्टर एज ऑफ 40-45 परे रेगुलर कैल्शियम इनटेक टा करिया कथा साइक्लिकली माने डॉक्टर एडवाइस परे, एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन हबा हेयर फॉल हबा स्पेशली परिस्रा द्वारटा सेटा ड्राइनेस हबा, बारंबार यूरिन इन्फेक्शन हबा, रिलेशन रखिला बेले पेनफुल रिलेशन, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना एंड एगुड़ा सबुठ कॉमन सिम्टम्स एंड इरिटेबिलिटी, निद न होबा, चिड़चिड़ा लागिबा, राग लागिबा, काम उपरे फोकस रहिबा नुह एंड जमती किछि मने रहोनी मेमोरी प्रॉब्लम्स, एगुड़ा सबु मेनोपॉज सहित रिलेटेड। मेनोपॉज सांगरे बहुत गुड़ा कॉमन सिम्टम्स जोटा प्रॉब्लम करे रिलेटेड थाए, सो सबुठ इम्पोर्टेंट होची कि अवेयरनेस, जेहेतु लेडीज माने जानी नांती कि ए सबु प्रॉब्लम होची बहुत जन ताकु नेग्लेक्ट करती आउ देखांती नाही, सो जितेबले हैला कि मेनोपॉज चेंजेस स्टार्ट होची एमती 45 अवेयरनेस अच्छी कि 45 परे बधुए पीरियड्स बंद हो पारे आमको सिम्टम्स होची, सही टाइम रे रेगुलर इनटेक ऑफ
मैंने डायट एंड फूड फूड रे बेसी तंकर एबे फ्रूट्स वेजिटेबल्स उपरे कैल्शियम रिच डायटटा बेसी खाइबा कथा वाटर इनटेकटा कम आगो अपेक्षा डायटटा कम हो जाए बट हेल्दी फूड खाइबा दरकार राति रे लेट डिनर नहीं कहीं सेटा गोटे ओबेसिटी कारण भी बने हो जाए बिकज ऑफ ए मेनोपॉज सिम्टम सो अवेयरनेस सबुठो इम्पोर्टेंट तापरे तंकर रेगुलर वॉकिंग करिवे योगा मेडिटेशन जोथरे तंकर एंजाइटी लेवलटा कमिबो जो माने अवेयर थिबे से माने सिम्टम्स को मैनेज करि परिवे एंड जितले राग आसे ताकू डील करिया पई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जोटा हार्मोनल दी करे होची अगेन योगा एंड मेडिटेशन एंड सबुठो इम्पोर्टेंट होची फैमिली सपोर्ट इफ लेडीज निजे अवेयर अच्छा तांको फैमिली मेंबर्स भी अवेयर रहिबे ताहले से फैमिली सपोर्ट द्वारा से मैंने जल्दी बाहरी पारिबे मोस्ट मैंने कॉमन आसे पेशेंट्स को कंप्लेन कि आमे रागी जाऊँ सो घरे झगड़ा हो जाऊँ सो सेंकु बुझेबा मैंने बुझीबा दरकार कि एटा नॉर्मल एंड फैमिली मेंबर्स को भी बुझीबा दरकार कि एटा नॉर्मल सो रिएक्शन सेपटू भी कम हेले सेटा मैनेज हो पारे जण जणकर बहुत नर्वसनेस हो जाए कि मोर एत सब चेंजेस है जोटा हैंडल कर पारना से भी रेगुलर एक्सरसाइजेस योगा मेडिटेशन हेल्प करे सब एक्सरसाइजेस जो बारंबार कहे एक्सरसाइजेस मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज रे इम्पोर्टेंट हूँ स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कहीं मसल वीकनेस भी स्टार्ट हुए तो जो मैंने रेगुलर स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज स्ट्रेंथ बिल्डिंग माने सब बोले वेट लिफ्टिंग नुह माने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिबा आंठू पाखरो मसल्स हिप मसल्स एगुडा को स्ट्रॉन्ग करिबा जो एक्सरसाइजेस रेगुलर करिबे सिंपल एग्जांपल जेमती प्लैंक्स करिबा टिके वेट्स उठेबा फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करी नी पाखापाखी मसल रो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एगुडा इंपोर्टेंट कहीं थे वीकनेस स्टार्ट हो गला तापर एक्सरसाइजेस करिला पर सेतिकी रिकवरी हो पारे नहीं देन जोनको जो इमोशनल सिम्टम्स बेसी हुए से मानको केवे केवे काउंसलिंग भी दरकार एंड सेटा किसी खराब नुह तामन नुह कि से मैंने किसी मेंटल इलनेस एटा काउंसलिंग हेला परे एंड शॉर्ट टर्म मेडिसिंस नेला परे भी रिकवरी बहुत भल हो जाए एंड अगेन अवेयरनेसटा सबुठ इम्पोर्टेंट कि यहाँ नॉर्मल सिम्टम्स चेकअप एथिपाय दरकार कि जानिबा कि यहाँ नॉर्मल टू अधिक होउची कि किसी मेडिसिंस दरकार कि नहीं पर ताकू नेग्लेक्ट करिबा कथा नुह ड्यूरींग मैंने मेनोपॉज टाइम पूर्वर इम्पोर्टेंट हूँ कि डायट मेंटेन एबे एटा नुह कि खाली मेनोपॉज टाइम गोटे लेडीज रेहेतु फैमिली को देखु देखु तांकर निजर केयर से मैंने कम नियंती लेट खाइबे पूजा सारिकी खाइबे खाली पेट बेसी टाइम रहिबे सो से सबुरे ग्रेजुअली कम बयस जना पड़ेनि बट धीरे धीरे जमी डाइजेस्टिव प्रोसेस भी स्लो हो जाए से ही टाइम बेसी प्रॉब्लम्स जना पड़े सो डायट रे जमती होची कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम रे करिबा कथा सबु आगर होची कि हेवी ब्रेकफास्ट नॉट नेसेसरी सबु बड़े दरकार नहीं कि हेवी ब्रेकफास्ट बट टाइम रे ब्रेकफास्ट जमती होची कि उठी सारा पर एटलीस्ट घंटे भितर अल्प किसी खाइबे जदि प्रॉपर ब्रेकफास्ट नुह तो एटलीस्ट गोटे फ्रूट खाइपर गोटे कदमी खाइपर गोटे आपल टिके ड्राई फ्रूट्स नले गजा मुग कहीं एटा रिच विटामिन्स आ मिनरल्स रे रिच ता सांगरे चा पीबेनि सकाळे उठिकी जोटा खाली पेटरे यूजली करती चा बिस्किट्स एगुड़ा पेटरे बेसी डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी हैम्पर करे गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम बढ़ाए देन जेहेतु मेनोपॉज रे हार्मोनल चेंजेस जो को डाइजेस्टिव प्रोसेस भी स्लो हुए से अल्प अल्प खाइबार अच्छी सब दुई तीन घंटा चार घंटा भितरे खाइबा माने सेटा अल्प होची जेमती टिके गजा मुग ड्राई फ्रूट्स आउ सबु फल खाइपारे जो डायबिटीज कि से गुड़ा डिजीज नाइस ताकू देखिक फ्रूट्स नहीं पारे सालाड खाईपर क्षीर दही छेना एटा हूँ मिल्स मझीरे जमती भोक लगुच बिस्किट एगुड़ा मिक्सचर एगुड़ा खाइबा कथा नुह हेल्दी फूड जोटा कहली बाकी ब्रेकफास्ट नॉर्मल जमती ब्रेकफास्ट हुए आइदर उपमा नहीं पारे कि दलिया नहीं पारे इडली जहाँ भी नॉर्मल घर ब्रेकफास्ट सेटा खाइबे लंच हबा कथा नॉर्मल जमती रुटी हो भात डाली जमती प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स आम कहू जमती रुटी हो भात हो आजिकल मिलेट्स रो बहुत हो रागी मिलेट्स एगुड़ा बहुत भल देन डाली
ନିହାତି ସେଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବା କଥା। ପରିବା ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଉ ଅଲଗା ପରିବା ସବୁ ଡାଏଟ୍ରେ ରହିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମିଲ୍ରେ ନେଲେ ମାଛ ହଉ ଅଣ୍ଡା ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ରେଡ଼୍ ମିଟ୍ ମାନେ ମଟନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଭଏଡ଼୍ କରିବା କଥା, ବିକଜ୍ ସେଟା ବି ଡାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ବେଶୀ କରେ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ବି ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂରେ ଅଗେନ୍ କି ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ସେଇ ଛଣାଛଣି ନାହିଁ, ଅଗେନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ ଗଜା ମୁଗ ହଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଡିନର୍ଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା କଥା ବାଇ 7-8 ଭିତରେ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ କି ଡାଇଜେସନ୍, ତ ଡାଇଜେସନ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଅଗେନ୍ ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଟି ଆସିବ, ପେଟ କାଟିବ, ଜଳିବ, ସେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଦ ଠିକ୍ ନହେଲେ ଅଗେନ୍ ସେଇଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ଗୋଟେ ସାଇକଲ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିବ। ସୋ ଡାଏଟ୍ରେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସାଲାଡ଼୍ ବେଶୀ ଗଜା ମୁଗ ଆଉ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଇନଟେକ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଇନଟେକ୍ରେ ହେଉଛି ପାଣି ହଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପଇଡ଼ ସବୁ ଜୁସ୍, ଫ୍ରେଶ୍ ଜୁସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜୁସେସ୍ ନୁହଁ, ଚା କଫିକୁ ପୁରା ଲିମିଟ୍ ଯେତିକି କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1-2 କପ୍ସ ଯଦି ନିହାତି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ପେରି ମେନୋପଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେନୋପଜ୍ 40 ଉପରକୁ ହେଲେଣି ସେମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ଜଗିଯିବା କଥା କି ମେନୋପଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ୟୁଜୁଆଲି ଟାଇମ୍ ଥାଏ କି 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏସବୁ ଚକ୍କରରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ରିଜିମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି କନ୍ସଲ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଡାଇଟିସିଆନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଏଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲେ, ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ମେନୋପଜ୍ ପ୍ରପର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ସେଟ୍ ହୁଏ, ସେତିକି ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ। ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବହୁତ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ସାଇକ୍ଲିକାଲି ନେବା କଥା, ମାନେ 3 ନେବେ 3 ଛାଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଗଜା ମୁଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଗୁଲାରଲି ଡାଏଟ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ମେନୋପଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଥାଏ କି ଆମକୁ କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ହରମୋନ୍ସ ନେବା କଥା କି ନାହିଁ, ସୋ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମେନ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ବଟ୍ ୟା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଯେମିତିକି ବୋନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବାରମ୍ବାର ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବା, ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ଜଣଙ୍କର ବେଶୀ ହୁଏ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି କି ପ୍ରି ମେଚ୍ୟୁର୍ ମେନୋପଜ୍ ମାନେ 38-40 ଭିତରେ ହିଁ ମେନୋପଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମେନୋପଜ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ୱିକ୍ନେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଇଭେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପରେ, ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥାଏ, ହରମୋନ୍ସ, କାହିଁକି ଯଦି ହରମୋନ୍ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଯାହାର ଜଲ୍ଦି ମେନୋପଜ୍ ହେଉଛି କି ଯାହାର ବେଶୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହରମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବଡ଼ିର ଏଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ହେଉଛି କି ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ ନ ବଢ଼ିଯାଉ, ବୋନ୍ ୱିକ୍ନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନ ହଉ, ଅଣ୍ଠା ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ନ ହଉ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଯେମିତିକି ୟୁରିନ୍ ଜାଗାଟା, ଭେଜାଇନାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହୁଏ, ନର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ହରମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ। ହରମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ହିଁ ନେବା କଥା, ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ହରମୋନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି ବାହାରୁ ତା'ର ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍, ତା'ର ଚେକ୍ଅପ୍ସ, ତା'ର ରେଗୁଲାର ଫଲୋଅପ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ୱିଥାଉଟ୍ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ସେଇଟା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍, ଭାଇଟାମିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଗେନ୍ ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ। ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ମସଲ୍ସ ବୋନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, ମସଲ୍ ୱିକ୍ନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୟୁରିନ୍ର ଆସେ, ଛିଙ୍କିଲେ କାଶିଲେ ୟୁରିନ୍ ବି ବାହାରିଯାଏ, ୟା ପାଇଁ ବି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମେନୋପଜାଲ୍ ନେବା କଥା। ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ବହୁତ କମନ୍ ଯେଉଁଟା ମେନୋପଜ୍ ପରେ ହୁଏ କି ବାର ବାର ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ୟୁରିନ୍ ଛିଙ୍କିଲେ କାଶିଲେ ହେଇଯିବା, ତା ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଦରକାର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପେଲ୍ଭିକ୍ ମସଲ୍ସ ମାନେ ତଳ ଜାଗାର ମସଲ୍ସର ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କରିବା କଥା, ସୋ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେତିକି ମେନୋପଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରେ,
ସେଥିପାଇଁ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନରେ ହରମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିପ୍ରେସନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ, ମେନୋପଜ୍ ହରମୋନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ସ କେବେ କେବେ ଦରକାର ପଡ଼େ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।